नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। बात करूंगा अभी मैं जिस क्षेत्र में पहुंचा हूं कि आसपुर क्षेत्र है और सिसवन प्रखंड में पड़ता है। और अब मैं देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जहां पे पहुंचा हूं यहां पे कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है कि माननीय श्री MLC का चुनाव लड़ने जा रहे हैं रईस खान जी, उनके उपलक्ष्य में हम लोग पहुँचे हैं, उनके दरबार में पहुँचे हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से चुनाव लड़ने का जो बिगुल बज चुका है, पूरे सिवान जिला में जोर शोर से तैयारी चल रही है MLC का, और क्या कुछ आज का मामला है जो आज यहाँ पे बैठक हो रहा है, यहाँ पार्टी बेस से हो रहा है या क्या हो रहा है, इसी बेस पर हम जानते हैं। आइए सवाल, आप यहाँ पहुँचिए किस मकसद से, किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुँचकर क्या योजना आगे का है और इनको सपोर्ट कर रही हैं आने वाले चुनाव में MLC के सपोर्ट में, किस तरह से आप सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि आपके सपोर्ट में ये भी खड़े थे कहने कहीं चेयरमैन की तरह आप की और आज जीत। देखिए आपके चैनल के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, इन लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और इन लोगों से आग्रह करती हूँ कि जिस उद्देश्य से आप लोग आए हुए हैं उस उद्देश्य पर आप लोग खरा उतरे, यही आप लोगों का मेरा आग्रह रहेगा। आप क्या कहेंगे सर, आप किस उद्देश्य से इनके साथ आए हुए हैं और क्या मकसद लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से आप काम करने के लिए प्रेरित करें, पूरे सिवान का विकास कैसे हो सकता है? जिस उद्देश्य से बुलाए उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं, जिस उद्देश्य इनका है वो। अब तो इनसे पूछिए कि किस उद्देश्य से ये बुलाए हैं, उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। इनसे पूछ लीजिए किस उद्देश्य से इन लोगों को बुलाए हैं, उसी उद्देश्य से हम लोग शामिल हैं। धन्यवाद। बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रईस खान जी जो कि गरीबों का मसीहा कहा जाते हैं और इस बार निर्दलीय पार्टी से निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं MLC का। क्या कुछ कहेंगे सर, आप जो बैठक कर रहे हैं, कार्यक्रम हुआ है, काफी वार्ड दूर से लोग आपको मिल रहे हैं, कहने की एक मीटिंग चल रहा है और सुनने में आ रहा है कि आप पूरे जोर से लोग सपोर्ट में उतर रहे हैं और इस बार जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? पहली बार आपको देखने में लग रहा है माहौल में उतरे हुए हैं जीवन में, मुझे लग रहा है पहली बार जीवन में आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद हमारे तरफ से। और राजनीति में हम पहले से भी, हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, हम पहली बार लड़ रहे हैं, देखिए राजनीति तो हम शुरू से करते आए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब है प्रत्यक्ष रूप से सामने, पहले पर्दा के पीछे से राजनीति कर रहे थे, अब ओपन आकर राजनीति कर रहे हैं। सिवान का जो माहौल अभी माहौल चल रहा है, उसके बाद मतलब सरकार का ऐसा है, सरकार में भी आरोप लगता है कि युवाओं के लिए बेरोजगारी के तौर चल रहा है, कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे विकास से काम अधूरा रहा है। सिवान जिले की बात करूँगा, अभी मान ली पंचायती राज खत्म हुआ है, तो कैसे आने वाले दिन में आप अपने विचारों को, अपने उद्देश्य को रखेंगे युवाओं के प्रति? हम चाहते हैं कि जिस तरह से युवा आगे बढ़े, क्या लगता है कि आपके आने से यहाँ का विकास कैसा जाएगा? देखिए पहले मैंने प्राथमिकता रहेगी कि अगर हम MLC प्रत्याशी से चुने जाते हैं और जीत के जाते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा अपने जिला के समस्त कोना कोना पे विकास का काम कराएं, युवा के लिए जो हो सके लड़ाई जो ही लड़ना पड़े लड़े और बढ़ चढ़ कर सिवान के विकास के लिए काम करने का कोशिश करेंगे करेंगे। कुछ सालों से देखा जा रहा है कि आप मतलब बहुत बढ़ चढ़ के समाज के लिए, अनाथों के लिए या गरीबों के लिए एक बेहतर दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने समाज में एक अलग तरीके से अपना मुकाम हासिल करने का कोशिश कर रहे हैं कि आप आने वाले दिनों में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं जैसे राजनीतिक में है। तो अगर आप मान लीजिए MLC चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले दिनों में क्या इससे बड़ा चुनाव लड़ने का अपने जहन में बनाए हैं? देखिए अभी तो ये तो बात की बात है, पहले ये जो सामने है उसको फेस करने न दीजिए, और मेरा मेन मकसद है इस चुनाव जीतने के बाद समाज के लिए कुछ कर सके,
आए हैं समाज के लिए कुछ है। समाज के तो अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं सर, अभी बहुत कुछ करना है कि जिसमें देखा भी जा रहा है मुखिया लाना है, वार्ड लाना है, कुछ अभी बाकी है। सर एक सवाल करूंगा कि हम सुन रहे हैं कि जेडीयू में आप मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय लड़ रहे हैं कि किस पार्टी में से लड़ रहे हैं? हम निर्दलीय चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपको यहाँ पे जेडीयू की पार्टी से मतलब जो सरकार है जेडीयू की उस पार्टी के लोग भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं उस कार्यक्रम में, और कहीं ना कहीं वो लोग सपोर्ट करने के चयन में आपके साथ आए, तो कैसा क्या कहेंगे? श्रीमान के समस्त जनता की मदद कीजिएगा आने वाले समय में का सहयोग है। जी जी, यहाँ ये पार्टी बेस का चुनाव नहीं है, पार्टी बेस का चुनाव नहीं है, और ये लोग सारे लोग निर्दलीय के साथ हैं, ठीक है, और निर्दलीय उम्मीदवार के साथ जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं उनका पूरा सहयोग हमको मिल रहा है, और जिसके कारण ये मेरा चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे हम। पूरा आपको उम्मीद है कि इस बार जीत पक्की आपकी है? उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है सर कि हम इस चुनाव को अपने भाइयों के सहयोग से जीतेंगे। एक चीज सर मैं चाहूँगा आपसे पूछना, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं सिवान जिला से, मुझे लग रहा है 40 मिनट दूरी पे आपका घर है, आप जीत जाते हैं और पूरे यहाँ पे और भी नेता लोग बैठे हुए हैं उनको भी वो भी सोच सकते हैं सुन सकते हैं, यहाँ के जो एमपी हैं उनका भी तरीके से ऑफिस आज सिवान जिला में सिवान डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पाता है, और भी कई ऐसे नेता हैं जिनका सही तरीके से एक पर्सनल ऑफिस सिवान जिला में सिवान सिटी में नहीं हो पाता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कल के डेट में आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपका पर्सनल ऑफिस एक दायरा में सिवान सिटी में सिवान टाउन में आपका रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्योंकि जो युवा लोग चाहते हैं कि नेता लोग से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे कुछ नॉलेज लेना, कहने के उद्देश्य से कुछ जानना हो नहीं पाता है, इसमें क्या सच्चाई कि आपका जितने के बाद वहाँ पे ऑफिस रहे नहीं रहे इतनी दूर अगर लोग? सिवान में तो मेरा अपना जमीन भी है, अपना मकान भी है, जी जी ठीक है, मैं गाँव से ज्यादा जुड़े हुए हैं, गांव से ज्यादा लगाव रखते हैं, गांव से जुड़े हुए, लेकिन सर एक चीज है कि अगर समाज को डेवलपमेंट करना है तो एक सिटी में आपका एक दायित्व बनता है कि वहां भी लोगों को टाइम दें, जैसे मान लीजिए कि जो भी एमपी विधायक एमएलए कोई भी चुनाव जीतता है तो गांव में समय देता है, लेकिन अपने जहां से आप सिटी में है तो मेन पूरे सिटी के लोग वहां पहुंचते हैं सर, और वहां भी देंगे समय, और वहां भी अपना मकान है और वहीं रहेंगे भी, और जितना हो सके समस्त सिवान जिला के लिए करेंगे। सिवान के समस्त जनता से ये अपील करेंगे कि उन्होंने मेरे लिए दुआ आशीर्वाद दें, और सब जनप्रतिनिधि से अपील करेंगे सब भाई मिलकर हमको जिताएं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। प्रक्रिया में चल रही है, तमाम लोग आज जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जुटे हुए हैं, आखिर लोगों की मंशा क्या है और ये किस तरह का लोगों का विधान है और